तो हेलो दोस्तों, माइनक्राफ्ट के टिकटॉक हैक में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ कमाल के टिकटॉक हैक। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माइनक्राफ्ट के अमेजिंग फैक्ट, अमेजिंग टिकटॉक हैक। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। और मैं आपको जो टिकटॉक हैक बताने वाला हूँ, आपको बस इसी टिकटॉक हैक को यूज़ करना है और आप भी अपने माइनक्राफ्ट में ढेर सारे टिकटॉक हैक का यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह से जो है कोबलस्टोन को जो है रख लगाना है। तो आपको कोबलस्टोन इस तरह से लगाना है। लगने के बाद आपको यहाँ पे एक ब्लॉक डिग कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोबलस्टोन रखना है इस तरह से। तो आप जो है थोड़ा सा इसे घुमा दीजिए, यानी कि हम जो है थोड़ा सा इसे इस तरफ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो है इस तरह से हम यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पे डिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसी तरह से दोबारा से बनाना है। तो आप लोग देख सकते हो इस तरह से आप बना लीजिए। बनने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। आप लोग देख सकते हो एरिया, आप लोग इस तरह से ये दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक पिस्टन रखना है इस तरह से। आप एक पिस्टन लगाइए, उसके बाद इसे आपको रेस्टोन से इस तरह से जो है यहाँ तक आपको कनेक्शन करना है। इस तरह से आप कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वाटर डाल लेना है। वाटर डालने के बाद वाटर यहाँ तक आएगा। अब आपको यहाँ पे इस तरह से पिस्टन लगाने, आप लोग जितने चाहो उतने पिस्टन यहाँ पे लगा सकते हो। तो अब पिस्टन लगाने के बाद जो लाइस तक आप पिस्टन लगाओगे, आप मैक्सिमम 7 तक ही पिस्टन का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से डिक करना है। यहाँ पे आपको जो है पीछे से रेस्टोन लेना है और रेस्टोन को आपको इस तरह से पूरे पिस्टन के साथ जो है कनेक्ट करना है। इस तरह से यहाँ तक आपको कनेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक तो यहाँ पे जो है आपको एक यहाँ पे आपको एक रेड टॉर्च लेनी है। टॉर्च को आपको यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट करना है। आप लोग देख सकते हो आपको इस तरह से कनेक्शन देना है। तो यहाँ पे रेड टॉर्च लगाने के बाद आपको लगेगा कि ये एक्टिव क्यों नहीं हुआ, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। जी हाँ, एक्टिवेट अभी नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, लावा लेना है और लावा को आपको यहाँ पे डालना है। अब आप चाहो तो इसे इस तरह से कवर कर सकते हो। यहाँ पे एक कोबल स्टोन बन जाएगा, आप इधर से भी इसे कवर कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको रेस्टोन का ब्लॉक लेना है और ब्लॉक को आपको जो है ये जो पिस्टन था, तो ये जो हमने पिस्टन लगाया था इसके आगे आपको एक रेस्टोन टॉर्च यानी कि रेज जो है ब्लॉक लगा देना है। ब्लॉक लगाते ही ये इस तरह से एक्टिव हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो इस तरह से ये एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होते होते आपका जो यहाँ पे कोबल स्टोन है यहाँ पे ये तैयार होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो ये कमाल का टिकटॉक है, का आप अपने माइनक्राफ्ट में यूज़ कर सकते हो और आप अपने लिए ढेर सारे कोबल स्टोन या फिर आप लोग अपने लिए ऑटोमेटिक कोबल स्टोन पूल बना सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग यहाँ पे TNT का यूज़ करोगे तो ये और भी अच्छी तरह से वर्क करेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टिकटॉक हैक में। तब तक के लिए धन्यवाद।